हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2021 के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी ये आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। पेपर सेकंड है साइकोलॉजी प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर सेकंड, टाइमिंग 3 घंटे की है और 80 नंबर का पेपर है। 10 क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू है किशोरावस्था के दौरान बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का उपाय बताइए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है व्यक्तित्व मूल्यांकन की परिपेक्षीय प्रवृत्तियां क्या हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सृजनात्मकता के प्रत्यय को लिखिए। सृजनात्मकता के संवर्धन की विभिन्न तकनीकें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 किसी एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। ये हो गया हमारा पेपर सेकंड जो है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब आ जाते हैं अगले पेपर की तरफ। अगला जो पेपर है टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है ये, और 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, अंक समान हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, इनका विस्तार से तुलनात्मक वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, तो ये आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहला जो है व्याख्यान विधि और दूसरा जो है पॉइंट या टॉपिक वो है समस्या समाधान विधि। इन दोनों को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये भी टिप्पणी लिखना ही है। 16 नंबर का आपका ये एक क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट ए है वो है संप्रेषण में आने वाली बाधाएँ। पॉइंट नंबर 2 यानी बी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, इन दोनों पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, किसी एक शिक्षण कौशल का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 राइट नोट टिप्पणी लिखनी है आपको, अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, इस पर भी आपको नोट्स लिखना है यानी कि टिप्पणी लिखनी है। तो पहला जो पॉइंट है
पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा। और पॉइंट बी जो है उसका वो देख लेते हैं हम। पॉइंट बी, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमों की तुलना। क्वेश्चन नंबर 9, आभासी कक्षा क्या है, इसके महत्व तथा कमियों पर प्रकाश डालिए। आभासी कक्षा की सफलता हेतु कौन कौन से प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, तो यहाँ भी आपको टिप्पणी लिखनी है। और उसमें जो पहला पॉइंट है टिप्पणी का वो है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की अवस्थाएं। तो ये था आपका नेक्स्ट पेपर। और अभी दूसरे पेपर की तरफ आ जाते हैं, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें भी 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। 3 घंटे की टाइमिंग है, 80 नंबर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए शिक्षा के प्रसार में समावेशी शिक्षा की किस तरह उपयोगी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, प्रयोजनवाद किन शिक्षण विधियों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, वर्तमान समय में इन विचारों की प्रासंगिकता को बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के शैक्षिक विचारों को बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में शिक्षा के निजीकरण की क्या प्रासंगिकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, सामाजिक गत्यात्मकता का क्या अर्थ है, शिक्षा और सामाजिक गत्यात्मकता का संबंध बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, असमानता एवं सीमांतीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारणों को SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो है संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों को बताइए, इन्हें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑप्शनल पेपर है, इनोवेशन इन एजुकेशन। तो इसकी भी टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की है, लेकिन ये इसकी जो मार्किंग है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 नंबर के हैं। कोई भी 5 प्रश्न करने हैं, 10 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से कोई भी 5 प्रश्न आपको करने रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं, नवाचार में आने वाली बाधाओं को शिक्षा के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक सामान्य कक्षा को अभिनव कक्षा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त तर्क सहित अपनी राय दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए नाटक तकनीक कितनी कारगर है, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शांति निकेतन के शैक्षिक उपागम को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा में नवीन विधिक नवाचार प्रयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सहकारी अधिगम विधियों से आपका क्या तात्पर्य है, सहकारी अधिगम विधियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में किन्हीं 5 जीवन कौशलों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आपदा प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है, आपदा प्रबंधन की कुछ तकनीकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
3D लर्निंग और 3D अधिगम पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। और नेक्स्ट जो है आपका शिक्षक स्वायत्तता, ये दो पॉइंट है, 3D लर्निंग या 3D अधिगम और शिक्षक स्वायत्तता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा की नवीन तकनीक क्या है, विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग कितना महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। सो ये था आज का वीडियो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।